सो गाइस यहाँ पे मैंने बिछा दिया हूँ 6x6 झालर लाइट। चले इसको पावर अप करके इसको ग्लो करते हैं। लास्ट पॉइंट में इस तरह से कुछ रखा हूँ, तो आप भी इस तरह से 6x6 करके बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें चालू कर लेता हूँ, सबसे पहले तो चालू कर लेता हूँ। ये चालू हो चुका है और ये फैन थोड़ा सा पुराना है तो ये थोड़े से नॉइज कर रहा है। नया वाला डालेंगे तो ये भी हट जाएगा आपका। तो इस टाइप की कुछ, एक मिनट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इसकी लाइट की फट आने वाली है। तो मैं अंधेरा करेंगे तो आपको पूरी तरह से दिखाई देगा। तो ये अंधेरा हुआ और ये देखिए, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कि नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक 6 चैनल का चेजर जो बनाने वाले हैं, जो कि एसी लाइन को ही ऑपरेट करेगा, एसी लाइन को ही हमको मूवमेंट करेगा, एसी लाइन में इफेक्ट डालेगा। यहाँ दोस्तों एसी लाइन पे ही डायरेक्ट ये चलने वाला है। आप इससे कितने सारे झालर लगा सकते हैं पर चैनल में, इसके आउटपुट 1000 वाट की है। तो आप समझ सकते हैं कितना सारा LED का झालर आप इसमें लगा सकते हैं, 6 चैनल में लगा सकते हैं, 6-6 करके आप इस तरह से भी करके आपका झालर जला सकते हैं। इस वाली प्रोजेक्ट में लगने वाला हर एक सर्किट मैंने खुद से बनाया हूँ। तो आप अगर नहीं देखें तो इसकी पिछले वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में आपका लिंक आ चुका होगा, उसमें पूरी की पूरी डिटेल देने की कोशिश किया हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन पूरी की पूरी जानकारी उसमें है। इस वाली वीडियो भी थोड़ी सी लंबी रहेगी, तो आप पेशेंस के साथ देखिए और बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप नॉलेज गेन कीजिए। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए दोस्तों फटाफट से इस वाली इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 6 चैनल LED चेजर बनाने के लिए, जो कि AC में रन करेगा, ये आपकी चेजर जो कि फॉरवर्ड होते रहेगा, आगे होता रहेगा। तो इस टाइप की कुछ बनाने के लिए आपको इस सारी कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो बॉक्स में आपको फिट करने वाला हूँ, जो कि है 4x6 की जो प्रेस फिट की तरफ से आती है ये बॉक्स, उसके साथ मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वायर के साथ ये कनेक्टर, जो कि बहुत हैवी क्वालिटी वाले हैं। तो आप चाहे थोड़ी सी हल्की वाली भी लगा सकते हैं, तो मार्केट में यही मैं लगभग मिला। उसके बाद इसकी जो मेन सर्किट है, जो कि ये है, 6 चैनल में ये रन करेगा, 555 IC और 4017 की डिकोड IC काउंटर के लेके ये बनी हुई है। तो इसकी सर्किट आपकी पूरी की डिटेल आई बटन में आपको मिल गया होगा। उसके बाद BT1360 जो ट्राइक्स है, तो मैंने यहाँ पे लगा के रखा हूँ 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैनल में है। तो इसको भी मैंने खुद से बनाया हूँ। तो ये आप देख लीजिए सर्किट किस तरह से है, तो आप भी आप अपने घर पे बना सकते हैं। तो इसकी जो पूरी की पूरी डिटेल मैं एक वीडियो में दिया हूँगा, उसकी लिंक भी ऊपर में आई बटन आया होगा। तो उसमें इसमें किस तरह से BT1360 की कनेक्शन है वो भी आप देख सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 22K की पोटेंशियोमीटर, जो कि इसकी स्पीड को कंट्रोल करेगा। उसके साथ कुछ वायर, 6 LED और उसके साथ पावर कॉर्ड, और उसके बाद 909 की यहाँ पे 500 mA की ट्रांसफार्मर, जो कि लोकल वाली है एल्युमिनियम बाइंडिंग की, और ये ज़्यादातर हीट होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट होते हैं कुछ घंटों चलाने के बाद। तो इसको कूल करने के लिए मैं एक छोटी सी DC 12 वोल्ट की फैन यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। आपको बोलूँगा इसको लगाने के लिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कूलिंग और बहुत ज़्यादा टाइम तक ये चलता रहता है। उसके बाद कुछ वायर अच्छी वाली क्वालिटी का, और लास्ट में ये नॉब और ये SPST स्विच, जो कि इसकी पावर ऑन ऑफ करने के लिए। तो इन कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम बस को फिट करने के लिए, हम बस को रेडी करने के लिए बहुत अच्छा से सुंदर से बनाएंगे और आपको चला के दिखाएंगे। AC में आपको 6 LED झालर को जला के दिखाएंगे। तो चलो दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो जो जैसे जैसे फिट करना है बॉक्स में, उस तरह से मैं मार्किंग कर दूँगा और उसी तरह से मैं इसको होल करूँगा। और प्लास्टिक बोर्ड है, बहुत आसानी से होल हो जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहाँ पे कैसे करना है, फिट करना है, स्विच कहाँ लगाना है, सब कुछ बहुत इजी तरह से इसमें फिट बैठ जाएगा। तो आप चाहें तो इसमें सीट वाली जो होते हैं लोहा का बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और रेफर करूँगा प्लास्टिक वाला। कुछ ऐसे शॉर्ट सर्किट की इशू भी इसमें नहीं होने वाला है। तो चलो दोस्तों फटाफट से इसमें सारा का सारा मार्किंग आप करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से फिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरा BT1360 की ट्राइक्स यहाँ की पूरी सेट आ जाएगी। उसके बाद मेन सर्किट बीच में रहेगा, LED भी यहाँ पे फंक्शन करेगा फ्रंट में, यहाँ पे ट्रांसफार्मर और यहाँ पे इसकी कूलिंग फैन। तो ये आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते अच्छा वाला ट्रांसफार्मर लगाएंगे
तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो चाहे आप SMBS भी यूज कर सकते हैं। तो मैं छोटी सी 500 mA का ट्रांसफार्मर लगाया हूँ, तो ये हीटिंग होता है, तो इसके लिए ये कूलिंग सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे पावर स्विच इस वाली फ्रंट में इधर से, और इस वाली पोटेंशियोमीटर जो होगी ये कुछ यहाँ पे इस कॉर्नर में रहेगा। तो इस तरह से मैं इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं इस तरह से कुछ करूँगा, उसके बाद इसकी बैक साइड में इस तरह से ये दोनों सेट हो जाएंगे, जिसमें इसमें 5 है और इसमें 8 है। तो 6 यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा और 2 यहाँ की मेन AC लाइन इनपुट होगा। तो इधर से ऐसे कुछ सिस्टम होगा, तो AC लाइन इधर से इन होगा और ये 6 चैनल में ये रन करेगा। चलिए फिर फटाफट से जितना सारा होल है हम इसमें कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मेरा कटिंग हो चुका है। तो यहाँ पे मैं पंखा के लिए कटिंग किया हूँ, इस टाइप की कुछ वेंटिलेशन के लिए। तो ये बहुत अच्छी तरह से सुंदर दिख रहा है, पंखा लगाएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, पंखा लगने के बाद कुछ इस तरह से सुंदर दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पे 2 होल करूँगा यहाँ पे ट्रांसफार्मर बैठने के लिए। यहाँ पे एक मेन सर्किट और यहाँ पे लगेगा हमारा ट्राइक, लगेगा ट्राइक की सेट लगेगा, यहाँ पे स्विच लगेगा और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगेगा। और ये वाले किट लगाने के बाद ही यहाँ पे LED के लिए होल करेंगे। बाकी चलते हैं दोस्तों, फटाफट से होल कर लेते हैं। ये सर्किट बोर्ड है, यहाँ पे नेगेटिव का सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, और ये जो बड़ी वाली जो ट्रैक दिख रहा है ये पॉजिटिव 12 वोल्ट का है। अगर यहाँ पे BC548 ट्रांजिस्टर लगाएंगे तो आपको पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, अगर ट्रांजिस्टर नहीं बैठाएंगे तो आपको नेगेटिव आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे कि ये नेगेटिव आउटपुट है, तो LED का नेगेटिव इस वाली पिन में कनेक्शन होगा और इसकी आउटपुट वाली पिन में जाएगा, ट्राइक के लिए स्विचिंग के काम करेगा। और बाकी 6 का 6 इस तरह से कनेक्शन करना है, माइनस कनेक्शन करना होगा और प्लस वाला को छोड़ना होगा, प्लस वाला जाएगा ट्राइक के इनपुट में जो कि स्विचिंग का काम करेगा। तो चलो दोस्तों, फटाफट से इसमें LED भी कनेक्शन करना है और यहाँ पे होल भी करना है। तो साथ ही साथ आपको दोनों करके दिखाता हूँ, आपको टाइम भी बचेगा, वीडियो की लेंथ भी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। बाकी वायरिंग में थोड़ी सी आपको पूरी की पूरी डिटेल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसको करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे LED का कनेक्शन हो चुका है, यहाँ पे मतलब फिटिंग हो चुका है, कनेक्शन बाकी है अभी। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे ब्लैक कलर का कनेक्शन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें नेगेटिव का सप्लाई आता है। तो ब्लैक कलर का मैं 1 2 3 4 5 6 करके इस तरह से वायर लूँगा और LED के साथ जोड़ दूँगा। उसके बाद LED का पॉजिटिव के साथ लेके मैं ट्राइक्स में जोड़ दूँगा। तो ये सबसे पहले इसको जोड़ते हैं। तो ये जो कैप लगा रहा हूँ तो ये LED के लेग में जाएगा सेफ्टी के लिए। तो ये प्लास्ट वायर जोड़ रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंबर 1 है ये वाला LED, यहाँ से 3 नंबर 1 है। तो ये वाला जो वायर है नंबर 1 LED में जाएगा, तो इसकी नेगेटिव सप्लाई में जाएगा। ठीक उसी तरह नंबर टू हमारा ये वाला वायर है नंबर 2, और इसको जोड़ेंगे नंबर 2 की LED में। उसके बाद नंबर 3 एंड लास्ट नंबर 6 जो कि 1 पिन है। अब दोस्तों पोटेंशियोमीटर लगाएंगे, तो इसकी जो नॉब है उसके हिसाब से यहाँ पे कट लगाना होगा। परफेक्टली लग चुका है नॉब, तो इसको भी हम लगाते हैं इसमें। सो गाइस, यहाँ पे पंखा बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो चुकी है दोनों स्क्रू में, और मस्त कूलिंग वाला सिस्टम हो चुका है। और चलिए दोस्तों, इसमें ट्रांसफार्मर बैठाते हैं, उसके बाद इसकी प्लस माइनस वाला सोल्डिंग करना है, उसके बाद इसकी ट्राइक वाला भी सोल्डिंग करना है। सो गाइस, अब करना क्या होगा कि ये जो पंखा है ये चलता है 12 वोल्ट में और यह है 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। तो इसको क्या करेंगे, 909 है तो 1 को सीधा पंखे में दे देंगे एक डायोड के मदद से, और बाकी 9 को इस वाली सर्किट में सप्लाई कर देंगे। तो ये सारा का सारा सही हो जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 2 डायोड लगाया हूँ, तो यहाँ पर काम आ जाएगा। तो ब्लू है पंखा का पॉजिटिव, तो इसको जोड़ देते हैं डायरेक्ट इसमें, और येलो है नेगेटिव, तो नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। अब यहाँ से 2 वायर लेंगे जो कि पोटेंशियोमीटर में लगेगा, ये लगेगा 6 और 7 पिन में, तो 6 और 7 पिन में लगाएंगे। और दोस्तों एक पॉजिटिव की वायर यहाँ से आगे लेना है क्योंकि LED ग्लो करेगा, जो कि ट्रैक से होते हुए BT136 के होते हुए यहाँ पे LED ग्लो करेगा।
तो इसके लिए एक पॉजिटिव का वायर अलग से निकालूंगा। सो गाइस यहाँ का कनेक्शन यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है बोर्ड तक, आप देख लीजिए इस तरह से। ये जो ब्लू और येल्लो है ये फैन के लिए है, डायरेक्ट यहाँ पे 9 वोल्ट चला गया है। येल्लो में दो दो नौ नौ आता है और ये जो ग्रीन है इसमें 0 आता है, 909 का कॉम्बिनेशन है। और मैं यहाँ पे एक डायोड देके इसको कन्वर्ट कर दिया हूँ और यहाँ से एक वायर ले लिया हूँ जो कि ट्राई के लिए जाएगा। उसके बाद यहाँ से दो वायर है जो कि LED के फंक्शन के लिए है और स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ से पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये दो मेन लीड का है जहाँ पे यहाँ पे स्विच में कनेक्शन होगा मेन सप्लाई AC में। उसके बाद इसकी काम हो गया कंप्लीट, तो इसको करते हैं फिक्स। फिक्स करने के बाद बाकी इधर का काम है और स्विच का कनेक्शन है और इसमें पीछे का जो कनेक्शन है वो करना है, बस इतना ही काम है और कुछ नहीं है। इसमें हो चुका है और इसमें जो पावर जाएगा प्लस का वो LED से डायरेक्ट ट्रैक को ले जाएगा, तो इतना सा काम है। तो चलिए इसको फिक्स कर लेते हैं। तो गाइज इस वाली बोर्ड की काम लगभग कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको रखते हैं साइड में और चलते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये जो BT1366 जो ट्राइक्स वाली जो ट्रांजिस्टर मैंने बनाया हूँ जो बोर्ड है उसकी वायरिंग कैसे करना है। तो इसकी जो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पिन 1 2 3 जो है इस तरह से 1 2 3 आपको करेंगे, जिस तरह से आपको BT1366 देखने को मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों BT1366, तो इसकी 1 नंबर पिन 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन। तो 1 नंबर पिन में क्या होगा, डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो ये जो ट्रैक है सभी 1 नंबर पिन को सप्लाई के लिए जा चुका है, जिसकी यहाँ पे AC सप्लाई जाएगा। और इस AC सप्लाई से जो बीच वाली 2 नंबर पिन है उसे टिगर होगा आउटपुट के लिए। और 3 नंबर पिन जो है इसकी 3 नंबर पिन में उसमें एक रजिस्टर लगाया हूँ 470 ओम का, तो वो आपकी डायरेक्ट इसमें एक फ्यूज की तरह भी काम करेगा और इसको ट्रिगर करने के लिए भी काम करेगा स्विच के हिसाब से। तो ये जो है ये 6 ये लग जाएगा आपकी जो LED से आएगा वो 6। तो यहाँ पे मैं अलग से वायर कनेक्ट करूँगा, यहाँ से अलग से वायर कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर रेड कलर की वायर कनेक्ट करूँगा, यहाँ पर मोटी वाली अच्छी वाली तार का इस्तेमाल करूँगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसकी सोल्डिंग का काम कम्प्लीट कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पे लगभग देखिए दोस्तों यहाँ तक मैंने बना दिया हूँ। सो गाइस यहाँ पे फिटिंग हो चुकी है, तो बारी बारी करके उसकी सीरियल इधर में सीरियल है, इस वाली जो बोर्ड है तो उसमें सीरियल नहीं है IC की वजह से, लेकिन इसमें मैंने सीरियल किया हूँ 1 2 3 4 5 6। तो उस हिसाब से ये जो वायर है तो शुरुआत वहाँ से करूँगा 1 LED में। आप इधर से भी कर सकते हैं 1 से लेकर 6 या इधर से कर सकते हैं 1 से लेकर 6, तो आपके हिसाब से है आपके कितना चाहिए। तो मैं इधर से जुड़ते हुए जाऊँगा, तो फटाफट से जोड़ के आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो फटाफट से इसमें फटाफट से जोड़ के आपको दिखा के आपको ओके करता हूँ। उसके बाद इसकी भी वायरिंग करनी है और स्विच का भी वायरिंग करनी है। तो गाइस यहाँ पे सोल्डरिंग का काम हो चुका है, आप देख पाए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से ये रेडी हो चुका है 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से इसकी वायरिंग हो चुकी है। सो गाइस 2 दिन की मेहनत के बाद ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने बैठा दिया हूँ इसकी कनेक्टर जो कि इसमें 6 चैनल की वायर यहाँ पे निकलने वाली है। जिस तरह से LED ग्लो करेगा जिधर से 1 से लेकर 6 तक, मैं यहाँ से 1 से यहाँ तक 6 तक लिया हूँ, तो शुरुआत यहाँ से होगी। तो इस तरह से इंडिकेशन के लिए ये वाली वायर 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 6 रहेगा और एक न्यूट्रल और एक फेज के लिए। तो अब चलते हैं दोस्तों, ट्रैक बैठ चुका है, सब कुछ रेडी हो चुका है, हम इसको एक बार चेक करके देखते हैं। और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लग चुका है और यहाँ पे पावर स्विच लग रहा बाकी है और इसकी कनेक्शन किस तरह से करना है ट्रांसफार्मर का और ये दो वायर का, तो इसका मैं आपको डिटेल बताऊँगा। तो चलिए एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को इसमें जोड़ूँगा क्योंकि ट्रांसफार्मर के साथ ये फैन और ये सर्किट कनेक्शन हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों ये चालू हो चुका है, तो मैं सबसे स्लो मोड में इसमें रखता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कुछ तरह से ये इसकी स्पीड है, रनिंग स्पीड है। और उसके थोड़ा सा बढ़ाएंगे स्पीड को, ये देखिए दोस्तों उसकी स्पीड बढ़ चुकी है
और भी थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ उसकी स्पीड को। ये देखिए दोस्तों, स्पीड बढ़ चुकी है और इसको पूरी की पूरी फास्ट तक लेके जा चुके हैं दोस्तों, और ये सबसे फास्ट। तो इस तरह से हमारा जो चैनल है उसमें पावर सप्लाई भी इस तरह से ग्लो करेगा 1 से लेकर 6 तक। तो ये हमारा ओके हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसकी स्विच पावर के कनेक्शन किस तरह से करना है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी वायर की कनेक्शन करते हैं, सिंपल है, छील देंगे और इसकी जो स्क्रू है इसमें कस देंगे नीचे वाले में। तो इसका यहाँ तक अच्छे और ये दोनों न्यूट्रल फेज के लिए। तो चलिए दोस्तों इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन हो चुकी है। तो जैसे कि आप देख पाए दोस्तों, ये 6 इसके आउटपुट के लिए और ये न्यूट्रल वाला, और इसकी पॉजिटिव सप्लाई के लिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर की एक वायर इसमें दे दूंगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव का सप्लाई भी होगा, इससे पॉजिटिव का कॉमन भी आउटपुट होगा, इधर से न्यूट्रल इनपुट होगा और यहाँ से न्यूट्रल। सब ये 6 का 6 सब न्यूट्रल है, न्यूट्रल लाइन है और फेज एक कॉमन होगा। तो ट्रांसफार्मर का एक वायर यहाँ पर चला जाएगा और उसके बाद ये जो वायर है, ये जो ब्लू कलर का वायर है, ये न्यूट्रल का वायर है, डायरेक्ट स्विच में चला आएगा और इसमें इनपुट जाएगा न्यूट्रल, और उसके बाद ट्रांसफार्मर की एक वायर में न्यूट्रल कनेक्शन होगा। तो ये जो 2 है, ये मेन न्यूट्रल जो है ये स्विच में चला जाएगा, और ये न्यूट्रल और इसकी जो ट्रांसफार्मर की जो न्यूट्रल है वो स्विच की एक और पॉइंट में कनेक्शन हो जाएगा। तो इतनी सी कनेक्शन है इसमें। तो बाकी सब ओके हो चुका है। तो चलिए इसमें कनेक्शन करते हैं ट्रांसफार्मर का, क्योंकि इसमें फेज कॉमन जाएगा तो कॉमन को हम ऊपर से ले लेंगे और नीचे से हम इसकी फेज लाइन को इनपुट कर देंगे। तो ये कनेक्शन हो चुका है, फेज वाला कनेक्शन, और उसके बाद ये न्यूट्रल वाला कनेक्शन को मैं ऊपर से दे दूँगा इसमें, क्योंकि न्यूट्रल का कोई भी कॉमन पॉइंट बाहर नहीं निकालना है। तो इसके इंडिकेशन के लिए मैं ऊपर से इसकी न्यूट्रल वाला सप्लाई को दे दूंगा। तो ये लग चुका है नीचे से फेज लाइन, जो कि यहाँ से कॉमन निकलेगा और न्यूट्रल का लाइन डायरेक्ट इसमें जा चुका है इंसर्ट होके। इसमें से कोई भी वायर इसे कॉमन नहीं निकलने वाला है। आपका इधर से अगर न्यूट्रल का लाइन आउटपुट हो रहा है तो फेज कॉमन रखेंगे, अगर यहाँ से आपका फेज लाइन आउटपुट हो रहा है तो यहाँ पर न्यूट्रल को कॉमन रखेंगे। तो मेरे केस में यहाँ पर न्यूट्रल यहाँ पर आउटपुट हो रहा है सभी में, तो कॉमन यहाँ पर फेज जाएगा। तो चलिए इसमें स्विच वाला कनेक्शन करते हैं। सो गाइस लीजिए, हमारा कंप्लीट हो चुका है बक्स। तो चलिए तो सब फटाफट से इसको टेस्टिंग करके देख लेते हैं तो हमारा ये प्रोजेक्ट काम करता है कि नहीं। तो इसके लिए हमको चाहिए 6 LED की झालर। तो 6 LED की झालर लाते हैं। तो इसमें इनपुट तो ऑलरेडी दे दिए हैं, तो इसमें से आउटपुट के लिए कॉमन वायर निकालेंगे और ये 6 का 6 निकालेंगे। तो इसके ऊपर में कवर भी देना है। तो कवर देने से पहले सबसे पहले चेकिंग कर लेते हैं हमारा ये प्रोजेक्ट सही हुआ कि नहीं हुआ है, सक्सेसफुली काम करता है या नहीं, वो भी हम चेक कर देंगे। तो हमारा तो ये वाला पार्ट काम कर रहा था, ओके काम कर रहा था। तो ये वाला पार्ट हमारा काम करता है कि नहीं, हमारा जो मेन लाइन को वो इसी तरह से ग्लो करवाता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको 0 में रखता हूँ, स्लो। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सब कुछ आपके सामने में होगा। तो चलिए दोस्तों 6 का 6 LED लाते हैं झालर और उसमें कनेक्शन करते हैं। सिंपल सा है, कमन वाला जितना भी 6 का कमन है सब इसके अंदर में जाएगा और बाकी 6 LED का एक एक पॉइंट इसमें जाएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से, आप झालर भी जला सकते हैं, आप राइस लाइट भी जला सकते हैं, चाहे आप पर चलन में 10-10 100 वाट का बल्ब भी जला सकते हैं। तो चलिए इसको फिट करके आपको दिखाते हैं। सो गाइस यहाँ पर सेटिंग हो चुकी है। ये एक झालर लाइट का वायर है, ये एक झालर लाइट का वायर है, ये एक झालर लाइट का वायर है, ये हो गया 3, ये टाइप का कुछ 4 और इस टाइप का कुछ 5 और इस टाइप का कुछ 6। तो इनको क्या करना होगा, इनकी 6 का 6 वायर को कमन देना है। तो सबका एक एक वायर मैं यहाँ से ले लेता हूँ कमन के लिए। तो ये 6 वायर को आपस में से जोड़ देंगे, आपस में जोड़ के इसको कमन में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा सबका कमन। तो ये 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 वायर है। तो 6 वायर को यहाँ पे फेज में कमन, तो इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है 6 वायर इसमें। तो 6 का 6 यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करना है, सीरीज वाइज करना है हमको। तो सबसे पहला LED का ये वायर है, तो इसको लगाएंगे 1 नंबर पे। तो ये लग चुका है। उसके बाद दूसरी LED का एंड लास्ट 6ठा वाला ये लोकल का वायर, जो कि 6 नंबर LED के लिए, और ये यहाँ पे लगेगा।
तो ये हो चुका है फाइनल, अब देखते हैं इसको टेस्ट करके कि इसकी सक्सेस हुए हैं या नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसे फेलियर होते हैं। तो आज भी हम लाइव देखेंगे कि हम फेलियर हो रहे हैं या नहीं। तो पावर रेडी को देंगे पावर और देखते हैं इसकी किस तरह से फंक्शन कर रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, शुरू हो चुका है 6 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए दोस्तों, ये यहाँ से 1 से 6 हो रहा है और ये चल रहा है यहाँ से 6 1 से 6 चल रहा है। तो मेरा ये जो कनेक्शन है थोड़ी सी उलट पुलट हुई है, मतलब जो मैं यहाँ से 1 काउंट किया हूँ वो आपका यहाँ से काउंट होगा 1, तो इस तरह से कुछ है। तो चलिए दोस्तों इसको एक बार स्पीड करते हैं। तो स्पीड करके हम इसको देखते हैं कि इसकी इफेक्ट किस तरह से आता है। तो ये हम बढ़ा रहे हैं स्पीड, तो हम थोड़ा सा अंधेरा करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं पावर ऑफ करने वाला हूँ, ये पावर ऑफ किया और ये वाला पावर ऑफ किया। तो आप देखिए दोस्तों कितने मस्त लग रहा है, जैसे एक तरफ से दूसरे तरफ पर ये जा रहा है, कुछ इस टाइप की है। मैं अभी झालर को लंबा करके आपको दिखाता हूँ, तो इससे भी और भी फास्ट होगा। तो ये फास्ट भी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, तो इसको भी हम थोड़ा सा स्लो करवा देते हैं। इसको यहाँ से जाके इसकी पोटेंशियोमीटर में थोड़ी सी स्लो करवा देते हैं, तो कुछ इस टाइप की स्लो होगी। तो इस टाइप की कुछ स्लो होगी आपकी। तो ये भी प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत दमदार है, ज़बरदस्त है, आप भी अपने घर पे बनाइए, बहुत कम रेट में बनेगा। अगर ऑनलाइन में ये वाली जो आप ख़रीदने जाएंगे तो आपको 1000 से 1500 बीच में आपको इसकी प्राइस देखने को मिलेगा। और जो ये 6 चैनल का है, अगर आपको मिल भी जाए मार्केट में या ऑनलाइन में आपका 4 चैनल या 3 चैनल वाला, वो आपको 900 से 800 के अंदर में आ जाएगा। 6 चैनल वाला आपको 1000 से 1500 में, और ये आप घर पे बनाएंगे तो 500 से भी कम प्राइस में ये बन जाएगा। तो आपके लिए कौन सा बेटर है आप खुद ही डिसाइड कीजिए। 500 रुपये में इस तरह से खुद भी बना सकते हैं, या आप मार्केट ऑनलाइन का 1500 रुपये यहाँ पे प्राइस पे करना चाहते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को कुछ मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिए। इस तरह से कुछ कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगा रोज़ाना। तो इस वाले प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी सी लेट हो चुका है, तो उसके बाद इसके में कवर चढ़ाना है और बाकी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट। तो इसके भी नया वाला प्रोजेक्ट आने वाला है जिसमें हम नाइट राइडर बनाने वाले हैं। इस वाली प्रोजेक्ट में दूसरा एक बनाएंगे जिसमें हम नाइट राइडर बनाएंगे। तो नाइट राइडर का काम क्या रहेगा, उसको नाइट राइडर क्यों बोलते हैं कि ये जो लाइट एक से दूसरी तरफ एंड जाता है फिर फास्ट से शुरू होता है, वो क्या होगा, फास्ट से लास्ट तक जाएगा फिर लास्ट से फास्ट तक आएगा, कुछ इस तरह से आगे पीछे होता रहेगा, उसको नाइट राइडर बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के हिसाब से पकड़ा जाए। तो आप बैकवर्ड फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं इसको। ये 1 से शुरू होगा, 6 बजे आएगा, फिर 6 से 5 4 3 2 1, फिर 1 2 3 4 5 है। तो उस वाली प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वेट कीजिए, बहुत जल्दी वो वाला प्रोजेक्ट भी आने वाला है। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।